जिस पर बीजेपी और विपक्ष के बीच सोशल मीडिया पर जंग छिड़ गई। उमर अब्दुल्ला आर्टिकल 370 हटने के बाद बीते 5 अगस्त से ही श्रीनगर में नजरबंद है और 6 महीने बाद उनकी एक तस्वीर सामने आई जिसमें उनकी बढ़ी हुई दाढ़ी पर तंज कसते हुए बीजेपी की तमिलनाडु इकाई ने ट्वीट किया और उमर अब्दुल्ला को तोहफे में दाढ़ी बनाने वाला रेजर ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, जिसकी रसीद भी ट्वीट की गई, जिस पर उमर अब्दुल्ला के बहनोई और राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने पलटवार किया। उन्होंने तमिलनाडु बीजेपी के ट्वीट को लोकतांत्रिक मूल्यों के खत्म होने की मिसाल बताया। उमर अब्दुल्ला की तस्वीर पर सियासी तकरार ममता बनर्जी के ट्वीट से शुरू हुई थी, जिन्होंने उनकी हालत को देश के लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बताया था। लिहाजा केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी को घेरने की कोशिश की। मैं पूछना चाहता हूँ ममता बनर्जी से, इससे डेमोक्रेसी को क्या लेना देना है कि अगर उमर अब्दुल्ला दाढ़ी बढ़ाए हुए हैं तो क्या 370 हटाने के बाद पूरे जेके में रेजर हटा दिया गया।